आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम चाउमीन बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने नूडल्स लिए हैं बाज़ार से 250 ग्राम। इन्हें हम बॉईल करेंगे। ये मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसे उबलने देते हैं, थोड़ा उबाल आने लगे फिर इसमें हम नूडल्स डालेंगे। देखिए पानी उबलने लगा है, इसमें हम नूडल्स डाल देते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें रहने देते हैं। इसे ढक देते हैं गैस बंद करके 1 मिनट के लिए। नूडल्स देखिए उबल गए हैं, अब इन्हें हम छान लेते हैं। देखिए हम इसे छन्ने में छान लेते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रिज का पानी लिया है, ठंडा एकदम। अब ये नूडल्स इसमें डाल देते हैं। ये हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं और ज़्यादा ना पकें। अब इसमें हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे। देखिए 1 मिनट हो गया, अब हम इसे भी छान देते हैं, पानी निकाल देते हैं। देखिए नूडल्स हमने एक प्लेट में कर लिए हैं। अब चलिए हम ये कढ़ाई रख दिए गरम होने। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, गरम होने देते हैं। देखिए ऑयल गरम हो गया है। ये प्याज मैंने एक ली थी, फिर डाल देते हैं। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच इसे भून लेते हैं। देखिए प्याज भून गई है। ये मैंने सब्जियों में गाजर 1 लिए काट लिया है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी इसे भी काट लिया है। अब इन्हें डाल देते हैं। अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं सब्जी को, आपको कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो। हम अच्छे से चला देते हैं, पका लेते हैं ताकि ये गल जाए। देखिए सब्जी हमारी आधी कुक हो गई है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार।
ये नूडल्स भी डाल देते हैं। गैस को हल्का कर दिया है। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे एक चम्मच। देखिए सोया सॉस एक चम्मच, चिल्ली सॉस एक चम्मच, टमाटो सॉस एक से डेढ़ चम्मच, हरी मिर्च एक दो, लाल मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से मिलाना है, तो दो स्पून लेना है इस तरीके से, ताकि मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए और चाउमीन बनकर तैयार है। एक बार बनाइए और मुझे बताइए कैसी लगी।